और भाई यस क्या चल रहा है? हाँ, मैं तो बढ़िया हूँ एकदम। जैसे लातूर के अंदर अभी अभी ये कंसेप्ट स्टार्ट की है, हम लोगों ने ट्राई कर रहे हैं कि अच्छा कर सके, पॉडकास्ट का स्टार्ट किए। मतलब हम और चाहते हैं कि लोगों को और न्यू न्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स बताते चले वीडियो के हाँ, थ्रू। अपना बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा बहुत था दिन से हम लोगों का, बहुत दिन कुछ ना से कुछ मतलब प्रॉब्लम्स, के मतलब अपन ऐसे। वो नहीं बोल सकते, अपन जो बोल रहे थे ना कि जो टॉपिक अपने को कवर करना है वो भी सस्पिशियस है और वो चीजें भी अपने पास साथ में राइट जरूरी राइट, थी। मतलब के बोलते हैं ना, ये साइंस साइंटिफिक नहीं हो सकता, यस 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 ये अलग ही सीन हो रहा था हम लोग आपने के नया, साथ। अपन ने नया नाम भी सोचा था ना, लॉजिक का मैजिक या लॉजिक मैजिक का का मैजिक, राइट लॉजिक। राइट। तो एक्चुअली सीन ऐसा हो रहा था, इतने दिन से हम लोग सब सेटअप रेडी करके बैठ रहे थे यस यस और टेक्निकल चीजें बिगड़ जा रही थी ऑन द प्रिपरेशन स्पॉट। आज भी एक सीन हुआ, बट हम लोग ने एडवांस कुछ चीजें रेडी, प्रिपरेशन करी थी, करके तो हो गया, कोइंसिडेंसली हो गया। पता नहीं ये भी अभी भी होगा इतना क्या नहीं हेक्टिक चल रहा था होगा। तो टाइम निकाल के आए, बने आप कुछ भी हो जाइए संडे को करना। यस यस यस, हम लोग का टॉपिक भी कुछ ऐसा था कि लोगों को यकीन करना मुश्किल हो, बट हम लोग ने सोचा कि कुछ चीजें हम लोग ने सामने से देखी है, बराबर राइट। मतलब के होता है ना कि स्पाइडरमैन मकड़ी काटती है। बचपन में बहुत ऐसा था कि स्पाइडरमैन काटा तो भाई जाली वाली निकलती है एकदम यस मस्त। मतलब कि एक मैजिक था वो बचपन में दिमाग में, कि अभी मकड़ी काटेगी जाला वाला निकलेगा। या तो कुछ कुछ हाँ जूस वगैरह पियेंगे, सुपरमैन बन जाएंगे। हाँ कुछ भी करेंगे, राइट। तो ऐसे बहुत अलग अलग थिंग्स दिमाग में चलते थे बचपन में। तो रिसेंटली एक सीन हुआ था, शुभम ने मेरे साथ शेयर किया था, और शुभम ने ट्राई किया कि वो उसका वीडियो भी निकाल सके, बट क्या नहीं हो नहीं गया था अपन एक सीन। अपन वो क्या हुआ था कि सीन, मतलब अपन ऐसे भी टॉपिक करने वाले थे वो कि हाँ ये टॉपिक अपन बात करते हैं, पर अपन को टॉपिक नहीं मिल रहा था, राइट शूट राइट, करना था अपने को यस कि यस यस, क्या कुछ तो करना शूट है। करते हैं बोल हाँ, के। टॉपिक ही नहीं मिल रहा था। फिर रात में सोया मैं, सुबह उठा तो थोड़ा घर पे चल रहा था कि ऐसे ऐसे हुआ है, मतलब मैं मुझे नहीं पता था क्या हुआ है क्या हुआ है, हाँ तो सामने कुछ तो डेड हो गई, मतलब क्या हो क्यों हो गया ऐसे कुछ तो वेट 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 वेट, बोलो। स्टोरी स्टार्ट नहीं करनी। उसके पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये सब चीजें होती है कि मकड़ी काटने के बाद मकड़ी जैसा इंसान बन जाता है, यस यस और जैसे वेयरवुल्फ रहते हैं, यस मतलब के भेड़िए जैसा आदमी। बहुत लोगों ने ऐसा स्टोरी सुनाई है कि जंगल में एक भेड़िए जैसा आदमी ऐसा ठहरा हुआ देखे। यति यति या कुछ तो ऐसे बोलते हैं यति का उसको, तो बहुत ज्यादा वो है, मतलब कि बर्फीले पहाड़ियों में बराबर। उसको देखा गया है, बट ऐसे तो बस स्टोरीज बोल के हम लोगों ने देखा था। बट हम लोग अभी जस्ट मैंने आप लोगों के सामने बताया था कि हम लोग का प्लान बन गया था कि कौन से टॉपिक पे हम लोगों को कवर करना है। तो टेक्निकल चीजें बिगड़ रही है, मतलब कि जैसे बहुत कभी गंदा, माइक बंद हो रहा है, मतलब कि माइक में फुल चार्जिंग है। अभी जस्ट हुआ था माइक बंद अपने स्टार्टिंग करने में, हाँ अभी जस्ट माइक बंद हो गया, अपन हम ने लोगों ने बैकअप दूसरा रखे थे। माइक बैकअप रखे थे, पता बैकअप था, क्योंकि 2 बार हुआ और आज तीसरी टाइम है, आज लाइट चली गई। बट हमेशा हम दोनों के टाइम पे, नहीं, कोइंसिडेंस वो नहीं है। रहता, वो पॉजिटिव वाइब्स के लिए अपन कुछ वीडियो शूट करे तो पॉजिटिव वाइब्स रहते हैं, अभी नेगेटिव वाइब्स है ना वो, हाँ राइट, तो वो मतलब थोड़ा एनर्जी भी सा होती है, थिंग्स थोड़े से वो एनर्जी क्रीपी। भी होती है। ये टॉपिक पे बात करना अपने को, एनर्जीज क्या रहती है या पॉजिटिव या यस यस नेगेटिव। यस, नेगेटिव पॉजिटिव। उससे पहले ओके, हम अपना टॉपिक रिवील कर देते। तो कौन हम सा लोगों का होगा? ऐसा था कि वेयरवुल्फ बोलते हैं जंगल में फिरता है, तो अगर सच में समझो कोई वुल्फ इंसान को काट लिया या कुछ अलग चीज हो गई इंसान के साथ और वो वेयरवुल्फ बन गया, आदमखोर बन गया, लाइक वैम्पायर। चलो वैम्पायर बन गया, ऐसी चीजें बहुत सी है। तो लातूर के अंदर कौन कौन से सीन हुए डे ऐसे? टू डे लाइफ में होते हो चीजें और अपन ध्यान नहीं देते, कैजुअल रखते हैं अपन। हाँ ठीक, हो जाएगा, वो हो गया, वो ऐसा रखते हैं अपन। तो मैं शुभम के इसके ऊपर, हम लोग ने जब से वो डिसाइड किया वो टॉपिक कवर करने का, तब से हमारे साथ क्रीपी चीजें हो रही है। यही नहीं, और अदर साइड भी बहुत सी चीजें हम बताने वाले। तो क्या सीन हुआ था बता शुभम। तो ऐसे ही सीन हुआ था कि जो चल रहा था कि घर पे उठा था मैं नॉर्मली, तो घर पे एक डिस्कशन चल रहा था कि क्या हुआ है, मतलब कुछ तो हो गया था। मैं उठा बाद में, घर पे बोले कि ऐसे सामने कुछ तो डेड हो गया, मतलब क्या हुआ है बोला मैं, पूछा तो कुछ नहीं बोले, मेरे को बोल नहीं रहे थे। देखो लाइट आ गई। लाइट आ गई, लाइट आ गई। तो ठीक है, हाँ अपन टॉर्च बंद करते थोड़ी देर के लिए। यस मैं कर देता हूँ ओके कंटिन्यू, थैंक यू। जैसे टॉपिक करना चाह रहे, हाँ ना, अभी लाइट आ कुछ ना कुछ गई। लाइट आ गई। अभी बस डिस्टर्ब हो गया पूरा। तो ठीक है ना, फैमिली। तुम्हारे गुड विशर्स के लिए, वेल यस विशर्स के यस लिए यस अपने को ये करना है, कुछ भी हो जाए, यस। चाहे हम कल दिखे या ना दिखे। अरे इतना भी बड़ा पीछे नहीं है नहीं सीन, नहीं बोल रहा वैसे स्टार्ट मजाक कर में। रहे। हाँ तो ऐसा सीन चल रहा था, सामने वाले कुछ तो डेथ हो गई है, तो मैं पूछा कि क्या रीजन है, बोल नहीं रहते।
फिर अचानक ऐसे सुनाई दिया, बाहर से सुनाई दिया मेरे को कि वो जो लेडीज थी वो थोड़ा डॉगी जैसे बार्क कर रही थी दिन भर, बात करना यानी बार्क मतलब बार्क भूख कर ना, रही थी। भूख अच्छा रही थी वो, लिटरली भूख रही थी। बोले मैं ट्राई किया था वीडियो बनाने का, पर मुझे नहीं पता था कि तब तक क्या हो रहा था। हाँ और उसको थोड़ा सा गोलाई साइड में कोई तो कुत्ते ने काटा था शायद, अच्छा काटा भी मैं था। 8 दिन ही हुआ, 10-15 दिन हुए थे शायद, हाँ तो उसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल लेके गए। पर उनको डॉक्टर ने मना किया था कि ये खाना नहीं है, कुछ चीज़ें अवॉइड करने को बोला था डॉक्टर ने, तो हाँ उन्होंने नहीं सुने शायद। कुछ भी नहीं होता मतलब, रहता ना कि हाँ ठीक है हो जाएगा ठीक, क्या है उसमें पैसे डालने का, हाँ तो मतलब उन्होंने वो इग्नोर किया चीज़ें। फिर बाद में हुआ ऐसा सीन कि उनकी अचानक तबीयत ठीक हो गई सब, फिर 1 वीक के बाद तबीयत पूरी डाउन हो गई, हॉस्पिटल लेके गए, ये हो गया वो गया। वो लिटरली 8 दिन पानी नहीं पिए, बोलते 8 दिन पानी पानी नहीं नहीं पिए। तो पिए। क्यों? तो पानी से डर लगता है, बोले डॉगीज को पानी से डर लगता है, ऐसा एक बोलते हैं सब लोग। तो उसको भी वही हो रहा था कि उसको पानी से डर लग रहा था, और कुत्ते जैसे भौंकना, उसका चिल्लाना करना, ये हो रहा था। तो फिर लास्ट डे भी वही हुआ था, मतलब सुबह 6 बजे उनको हॉस्पिटल ले गए शायद, तो सब लोग बोल रहे थे कि ऐसे डॉग की तरह भौंक रही है, और बोले सब लोग ठीक है। बोला मैं मतलब उतना नहीं किया मैंने। फिर 11-12 बजे मैं उठा, फ्रेश वगैरह हुआ, फिर मम्मी का आया कि वो मर गई है, बोल गया। हाँ क्या बोला, तो की रीज़न क्या है? तो कुत्ते ने रखा था, तो ऐसा ऐसा सीन हो गया। मतलब ये चीज़ें कैसे होती है, मतलब मुझे तो अभी तक बिलीव नहीं हो रहा, पर अभी सामने की चीज़ है वो। इतनी शॉकिंग, मतलब मतलब यकीन कर रहे क्या? जस्ट कुत्ता मैं काटना कभी, और हाँ, कुत्ते कुत्ते को जो चीजें उसे डर लगता है वो चीजों से उसको भी डर और लग रहा सेम कुत्ते था, जैसा करना और कुत्ते जैसे बिहेवियर वो तो, बिहेवियर भोंकना, मतलब कि कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब कि हम लोग तो जस्ट स्टोरी सुनते थे कि भाई कुछ काटा तो उसके जैसे चीजें उसके अंदर आ वो जाती है। मेडिकल फील्ड में बोलते कि उसको कुछ बीमारी रहते हैं, मुझे एग्जैक्ट एग्जैक्ट नाम नहीं पता, पर बोलते कि उसको बीमारी है वो, शायद से कुछ जंतु रहते होंगे कि मे ज्यादा बी वो हो पावरफुल सकता है, है या फिर ना, कुछ साइंटिफिक इलॉजिकल भी हो सकता है इलॉजिकल भी जिंदगी में। है। और और कैसे साइंटिफिकली अगर सोचे, अगर साइंटिफिकली सोचे तो बोलते हैं ना कि उनके कीटाणु बॉडी में जाके रिएक्शन हो कितना ही गया। होगा ना, वो दिमाग तक कैसे जाएगा कि उसके जैसा अपने को रिएक्ट करना है, अपने बॉडी को मतलब कैसे समझेगा कि उसके जैसा डरना है या उसके जैसा भोगना है। पर नॉर्मली भोगते, पर वो अलग बात है हाँ वो भोगना। अलग है। मैं वही बोल रहा था, मैं सोचा फिर ऐसे चल रहा था, नॉर्मल टॉपिक चल रहा था, कि फिर बाद में मुझे क्लिक हुआ कि हाँ अपन ये टॉपिक कवर कर सकते हैं, इसलिए आपको सुबह मैसेज किया मैंने, राइट ऐसा ऐसा करना है बोल के जैसे तब इसको पता से। चला तो इन्होंने मेरे को इमीडिएटली, मैं हम लोग का बहुत दिन से चल रहा था कि कौन से टॉपिक पे डिस्कस करना, तो मेरे को भेजा। मैं शॉक हो गया कि भाई ये चीजें तो, मतलब आपको लिटरली बता दूं, मैं तो खुद शॉक हूं कि लातूर में ऐसे ऐसे किस्से नहीं हो बहुत रहे बहुत हैं। है। अभी कैसे है पता कि ये चीज़ें दवाई वाली है, या शायद मुझे लगता है इसे कि ये चीज़ों चीज़ें बाहर नहीं निकलना, इसलिए ये कोई तो वर्ल्ड है। लेवल पे बोल रहे हो, वर्ल्ड लेवल यस पे यस, वर्ल्ड लेवल पे है ये। लातूर भी नहीं, लातूर बहुत छोटा पार्ट है इसका। जैसे एलियन है, जैसे वैम्पायर्स है, हाँ जैसे ब्लैक मैजिक के थिंग्स है, वो एलुमिनाटी है फिर। वो भी हो गया, और अमेरिका में कुछ सेक्टर है ना 71, ऐसे हाँ मुझे कुछ तो नहीं भी एक एग्जैक्ट नाम नहीं एक पता कि वो एरिया ट्वेंटी है वहाँ पे, 27 या कुछ तो है, सेवेंटी आप लोग बोल दो टू कमेंट्स में, मेरे को यस भी नहीं कमेंट में पता। बोल दो, याद है हम लोग को हाँ सुनने में, वो बट भूल उसका गया मैं थोड़ा एग्जैक्ट सा, वर्ड याद नहीं आ रहा। सेक्टर 71 है, एरिया 27, हाँ ऐसा कुछ तो एरिया, था, एरिया नाम से एरिया। 27 या 21, मुझे नहीं पता यस परफेक्ट, यस पर मैंने सुना था कि वहाँ पे एक एबनॉर्मल चीज़ें होती है, या कुछ एलियंस का है उनका रिसर्च बहुत सेंटर से है, लोग, मैं यूट्यूब के ऊपर पर देखता हूँ ना, ये तो चीज़ें बाहर शूट नहीं करने आती के कहीं। लिए हाँ लोग जाते हैं, कोई अंदर जाता है तो कुछ ना कुछ अंदर गए वाले सीन बाहर नहीं आए अभी तक, ये सब सीन हो गया। अभी तक तो मतलब कि कुछ ऐसा वहां से बाहर रिवील नहीं निकला ही होगा ना, नहीं है रिवील अभी नहीं तक, होती वो चीज़ें पता है सामने से बट अंदर बराबर, से कुछ आया ही नहीं कि भाई हाँ क्या है। वो क्यों हो रहा है। अभी लातूर में भी ये चीज़ें सब कॉमन है, ये चीज़ें कि बहुत जनों का ऐसे डेड हो गई है चीज़ों की वजह से, पर रिवील नहीं करते चीज़ें। अभी कौन करता है, मतलब आप बोले ना वर्ल्ड लेवल के शॉकिंग हैं, वर्ल्ड शॉकिंग लेवल के है। हैं यस बोले यस अपन, यस पर वर्ल्ड लेवल के लातूर में कैसे मतलब वर्क होते हुए चीज़ें। नहीं मैं तो खुद शौक हूँ। मैं आपको बता दूं, आप सभी लोगों को पता होगा, मैं एक ये डिफरेंट टॉपिक बनाने वाला था, मैं यस इसके बराबर, ऊपर खास बात करने वाला था और उसके ऊपर बनाऊंगा भी और प्रूफ के साथ बताऊंगा, यस और मेरे पास उसके प्रूफ है, मेरे मोबाइल में अभी भी है, मैंने संभाल के रखा है। ओ भाई, 2021 में ये सीन हुआ था, कौन सा वाला बोल 2021 रहे हैं आप? में वो तो फोटो दिखाई थी वो फोटो दिखाई थी, वो मैं बॉस के लिए बताऊंगा वो अभी, अभी नहीं करूंगा, आप वो लोगों को नहीं नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट बताऊंगा। में करते हैं अपन, बहुत कह रही है वो, बहुत पर बहुत अभी नहीं, डेंजर है, अभी नहीं कर बहुत। सकते वो, पहले जितने दिक्कतें आई है जो हाँ राइट, नहीं उसके लिए नहीं आएगी उसका दिक्कत, बहुत बड़ा रिस्क मुझे तो नहीं है मुझे लगता। लगता है, ठीक है तो तो देखते हैं अपन। वही मतलब कि कुत्ता काटना हो सकता है कि आप लोगों को क्या लगता है, मतलब कि कुत्ता काटा भाई बहुत लोगों को काटे,
नहीं ठीक है। और वो एक चीज, जैसे तुम बोले डॉक्टर ने उनको मना किया था ये हाँ। चीजें मत खाओ, तो जैसे कि मीठा खीर नहीं चलती है, किसको किसी को नहीं यार खट्टा डॉक्टर ही खाता छुपा था, रही है चीजें, ये भी बोल हो नहीं सकता सकते कि है मतलब। डॉक्टर ये मत खाओ, उनको कैसे पता चल रहा है हाँ मतलब कि शायद से इसके ये ऊपर स्टडी भी हो यस सकती है, कि इसके उनको ऊपर भी सब कुछ चीजें टॉपिक पता है, पर अब रहेगा, ये चीज अगर रिवील हो गई तो वो ऐसा रहेगा कि मतलब दुनिया में पूरा ऐसा चेंज हो जाएगा मतलब माहौल कि कोई फिर कुत्ता किसी के आंग पे छोड़ देगा भाई, उसको कुछ खिला देगा फिर वो। नहीं ये नहीं हो सकता, हो सकता है वो लिटरली कुछ भी कर रहा है आजकल, झगड़े में भी दूसरे में हाँ भी, वो दुश्मनी नहीं बोल रहा निकालने मैं। के लिए कोई एक कुछ भी डॉक्टर, करता है। डॉक्टर क्यों नहीं बोलना चाहता ये चीज़ कि अगर ये रिवील हो गई तो अलग ही हाँ हो हाँ जाएगा ना हाँ पूरा मतलब सीन। कि जिस चीज खाने से मना कर रहा है स्ट्रिक्टली, तो वो अगर खाने के बाद उसका क्या रिएक्शन हो सकता है, क्या डॉक्टर ने कभी बताया नहीं? जैसा हमारा नहीं क्वेश्चन बराबर है है ना, कभी बताया क्या कि अगर ये खाए तो इस तरीके से कुछ हो सकता है, कभी डॉक्टर ने बताया? अगर नहीं तो कमेंट में बताओ कि हाँ बताया है, हम लोग का जस्ट क्वेश्चन है ना बराबर है वो भी। जैसा और निगेटिव पॉजिटिव की बात करें तो अभी हो मेरा रहे ना हाँ, बहुत हो तो रही है। मेरा एक दोस्त था, तो इन चीज़ों के ऊपर मेरे को भी ज़्यादा यकीन नहीं था, निगेटिव एनर्जी पॉजिटिव ओके एनर्जी। तो उसने मेरे को एक एक एग्जाम्पल बताया कि भाई अगर कोई तुझे गाली दे दे, है ना, तो आदमी एकदम चिल बैठा है और मैं तेरे को गाली देना चालू करूँगा बेवजह, बहुत गाली दे रहा हूँ भाई, दे देता जा रहा हूँ, ओके तो तेरे अंदर एक एनर्जी तैयार हो रही है ना भाई, गुस्सा आ रहा है ना, पैदा हो राइट रहा है ना, राइट राइट किसकी वजह से? सिर्फ वर्ड्स वर्ड्स एनर्जी पास हो रही है तो ना। ये भी एक चीज़ है, मैंने किताब में पढ़ी थी शायद कि अगर एक गांव था कि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे, आपने भी सुना होगा, तो हाँ वहाँ पे किसी ने तो बोला था कि तुमको अगर गुस्सा निकालना है ना तो वो पेड़ के पास जाओ, उसको हक करो और बहुत सारी जी भर के गालियाँ दो उसको, हाँ जितना मन है उतना गालियाँ दो। हाँ वो लिटरली ऐसा था कि मतलब स्टोरी थी कि तुमको गुस्सा आ रहा है ना वो पेड़ को गालियाँ दो। हाँ नहीं, ये टॉपिक अलग था, मतलब वो चीज़ थी कि तुमको वो पेड़ को हर्ट नहीं करना है, ठीक है, मतलब हाँ फिजिकली नहीं मारना, उसको काटना अच्छा नहीं है ना कुछ नहीं हाँ करना है। हाँ तो उन्होंने एक आइडिया निकाला कि किसी ने तो बोला कि वो पेड़ को जाके गालियाँ दो जी भर के, जितना भी देना है गालियाँ दो, वो अच्छा कंटिन्यू दो उसको, कंटिन्यू हक करके गालियाँ दो गालियाँ दो। तो वो लिटरली पेड़ मतलब ऐसे सिकुड़ के मर गए थे। तो ये अच्छा नेगेटिव एनर्जी आप जो बोले वो सेम है यस, वो। अभी जैसे गाली दे के किसी के अंदर गुस्सा गुस्सा पैदा पैदा हो रहा है, करना क्रोध पैदा हो रहा है, वो तो अगर पेड़ की वजह आप से वही ही। सोचो हमारे जो ग्रंथ होते हैं, तो अपन समझो वो पढ़ते हैं उसके अंदर पूरा पॉजिटिव रहता है, यस बहुत तो सारे उसकी रहते हैं। कितनी पॉजिटिविटी फैलती होगी, स्प्रेड होती रहेगी राइट और राइट आपस में, और समझ रहे हो जैसे हम सोचते हैं उस तरीके से हमारा रिएक्ट, बॉडी का रिएक्शन चेंज हो। और एक चीज़ देखी थी मैंने इंस्टाग्राम पे रील, एक ग्लास में पानी रखते हैं, यकीन नहीं करेगा, एक्सपेरिमेंट किए लोगों ने उसके ऊपर, लोगों ने साइंटिस्ट ने किए, एक ग्लास में पानी रखे, दो ग्लास रखे, दोनों में ओके पानी रखे, और एक ग्लास को, एक ग्लास के सामने सिर्फ बुरा बोल रहे, उसको पानी को बुरा बोल रहे, तू अच्छा नहीं है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, वैसा है, और एक ग्लास को सिर्फ अच्छा बोल रहे, तू बहुत प्यारा है, मेरे को तुझसे ओके प्यार है, बहुत अच्छा है तू, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, तू इतना अच्छा है। तो बाद में वो जो टेलीस्कोप रहता है, वो माइक्रो वाला चेक करते हैं, पता नहीं माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप, हाँ सॉरी टेलीस्कोप नहीं माइक्रोस्कोप, इसके भी तो अपन टॉपिक कवर करना है, टेलीस्कोप का भी याद रखो ठीक है ठीक है, वैसे चीजें तो मिल के आ रही है सब। पानी को चेक किए, निगेटिव जिसको बोल रहे थे उसका भी, जिसको पॉजिटिव बोल रहे थे उसका भी, ओके जिसको निगेटिव बोल रहे ना उसके पार्टिकल ना इतने मतलब के डिस्टर्ब अलग थे, डिस्टर्ब थे, और एक एक उसमें नहीं थे वो, एक क्या बोलते हैं उसको, बॉन्ड नहीं एक था उनका एंगल अलग में अलग। नहीं थे, बोलते स्ट्रक्चर में नहीं थे वो, एकदम ऐसे थे कि भाई किसका कुछ है ही नहीं, एकदम स्ट्रक्चर टेढ़ा मेढ़ा था, और जिसको पॉजिटिव बोल रहे थे ना उसके स्टार्स बने हुए थे, ब्यूटीफुल स्टार्स। तो मतलब कि पानी के ऊपर भी असर होता है भाई पॉजिटिव चीज़ों का, तो बातों सोचो का इंसान के ऊपर कितना असर होता रहेगा, बहुत और आजू बाजू के माहौल में लोग क्या सोचते हैं उसका असर भी होता रहेगा बहुत माहौल होता पे, अगर किसी इंसान को बैट ने काट लिया, ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, क्या लगता है तेको? हाँ मर सकते ठीक है, एक लॉजिकल मरेगा बात है, मरेगा, बोल नहीं सकते बट वैसे रिएक्शन हो गया कि जैसे डॉगी ने अभी तेरे ही घर के क्या पास लातूर के अंदर, क्या उड़ सकता है क्या वो उड़ सकता है, क्या उसकी आंखें या रात पीली में, या पीली हो रात में ऐसे सकती उल्टा है सो रात सकता है वो। में, हाँ
देख सकता है क्या वो, नहीं रात में ऐसे उल्टा सो सकता है क्या उन बेड लोग को पे ना कोई? बेड को बहुत दूर की चीजें सुनाई देती है, यस, बहुत अल्ट्रासोनिक ज्यादा साउंड ऐसी फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है जो अपन नहीं कि सुन जो सकते अपन नहीं सुन सकते। क्या हो रहा। हम लोगों ने मूवी देखी है एक, ट्विलाइट, ट्विलाइट पता है, हाँ एडवर्ड वगैरह सागा। रहते हैं, हाँ ये सब सभी मतलब पता नहीं इस जनरेशन ने देखी है कि पता नहीं। उसके अंदर वेयरवुल्फ वगैरह वो सब चीज़ें कन्वर्ट होते टाइम मतलब कि उसमें बताई हुई है, तो ये चीज़ें आई कैसे इंसान के दिमाग में, ये सब भी हो सकता है, कैसे तो आई मुझे ये? एक चीज बोलनी है, वेरुल का बोले ना थी, मतलब एक कार्टून था बेंटेन बोल के, तो यस उसको ऑमलेटिक्स रहती है, तो वहाँ पे किस तरह था कि कार्टून में भी दिखाया जाए, मतलब हर चीज़ कार्टून में है, हर चीज़ कॉमेडी में है, हर चीज़ मूवीज में है, मूवीज का भी हाँ है, मतलब हर राइट चीज़, मतलब अपन जो डिस्कस कर रहे हैं ना आज, मतलब ज़्यादा लोग डिस्कस नहीं करते वो चीज़, क्यों डिस्कस नहीं करते अब तक रीज़न नहीं पता चला, पर वो चीज़ें डिस्कस नहीं करते बल्कि वो दिखाई जा रही है अपने को, कार्टून में बोलो, मूवीज में बोलो, या और अदर इतनी आर्टिकल्स में इतनी बोलो। कॉमन हो गई है कि यस वो यस जस्ट यस एंटरटेन लग रही है। हाँ, तो वो मैं सीन बोल रहा था कि वहाँ हाँ पे वो कुछ तो डेजर्ट में जाते हैं रहने के लिए, हॉलीडेज के लिए, तो वहाँ पे उसको वेयरवुल्फ का एक ऐसा कुछ तो रहता है, वेयरवुल्फ टाइप ही रहता है, उसको काटता है, उसको काटता नहीं एक्चुअली, उसके ऑमलेट्रिक्स को काटता है, तो वो अच्छा ऑमलेट्रिक्स कैसे करता है कि उसका सारा डाटा एनालिस करके उसमें डालता है, तो वो एक मुझे एक चीज़ वहाँ पे समझी कि उसको अगर नहीं काटा, ऑमलेट्रिक्स को काटा है तो उसका डीएनए एक्टिव होके उसमें आता है, वो हाँ मतलब राइट वो बन जाता है, ठीक राइट है, तो वो बनने के बाद भी वो उसकी जैसा बिहेव करता है कि वो सेम वेयरवुल्फ है वो। और एक चीज़ मेरे को याद है, वो फुल मून और ये रहता है ना जो यस पार्ट, यस फुल यस मून के ज़्यादा दिन एक्टिव रहते हैं फुल मून के टाइम पे हाँ वेयरवुल्फ, सबसे ज्यादा तो एनर्जी उनको आ उसको जाती है देख उन लोग के वो, मतलब अभी नॉर्मल इंसान हो तुम, अगर हाँ फुल मून है और वो फुल मून तुम देखोगे तो तुम वेयरवुल्फ बन जाओगे, तो ऐसा हाँ एक सीन है। ये भी है, ये तो मतलब क्या ऐसा है कि भाई जब जिस वो वेरू जो चिल्लाते ऑल करते एकदम जोर से, तो उसके साइड में कभी भी चांद दिखाता है, फुल यस मून यस दिखाता यस है, वही, क्यों तो ऐसा भी क्यों, क्या यार, ये पहले से पता थी उन लोगों को चीजें, अच्छा यार, है ना, मतलब और कि ऐसा ही ये क्यों बता रहा एक्चुअली है। होती है, शायद होती होंगी ये चीजें, हाँ वही तो फुल मून का कुछ तो है कि मून का इफेक्ट अर्थ पे होता है या लोगों पे होता है। मैंने एक चीज सुनी थी कि जो गॉड बिलीवर है और जो नहीं है उनको भी बुरा लग सकता है, पर मुझे जितना नॉलेज है उतना बोल रहा हूँ कि ऐसा किसी ने, मेरे फ्रेंड ने बोला था कि समझो ये ब्लैक मैजिक वगैरह होता है, फूल फोन के डे में होता है, ये क्यों होता है, कहाँ से आया ये, मैं ऐसे पूछ रहा था उसको कि ऐसे कहानियाँ हम कैसे करते थे कि टाइम पास बोल के हम रात में बैठते थे, तो इसको ये हुआ था, इसको वो हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था सीन, तो सब चल रहा था, तो मेरे दिमाग में एक आया कि यार ये चीज़ें होती है ना, तो स्टार्ट कहाँ से हुई है, तो मेरे एक फ्रेंड वही ने बोला था कि एक ऊपर जो गॉड्स वगैरह हैं तो उनकी एक बुक थी मैजिक की, तो उसका एक पेज फट के अर्थ पे गिरा है, अच्छा तो मैंने सुना है ये, तो वो गिरने के बाद सिर्फ एक पेज है, हाँ एक पेज पे इतना ब्लैक मैजिक होता है वर्ल्ड में, इतना ज़्यादा है कि अपन बिलीव नहीं कर सकते, पर कैसे ये चीज़ें बिलीव नहीं करते लोग, जब अभी प्रूव करना है तो प्रूव कर सकते हैं अपन, पर वो भी कैसा रहता, प्रूव किए ना अपन तो कुछ ना कुछ निकालते हैं, हाँ ये नहीं हो सकता, ये ऐसे इसकी वजह से हो गया, ये ऐसे बोलते हैं। ये ऐसे तो कोई ना मुझे कोई ये बोलना है वो कि वो बोला कि ऐसे अर्थ पे एक पेज फट के गिरा है तो उसके सहारे इतने सारे ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, इमेजिन करो अगर पूरी बुक गिरती तो ये भी क्या है, होता था, और एक दुनिया में सब खत्म हो जाता ना, हाँ मीन्स पता नहीं क्या होता था। बहुत गंदा। और मैंने मैंने सुना है, मैंने वीडियो भी देखा है कि ब्लैक मैजिक कहाँ से आया है। मैंने डॉक्यूमेंट्री थी एक जस्ट सुन रहा था मैं, ओके एक ओल्ड लेडी बता रही थी है ना, तो वो बोली कि कोई कैदी था, मतलब के बोलते ना इविल है, ओके इविल ऐसे भी दुनिया में लूसीफर है। यस हाँ, तो नाम लेना सही है मैं क्या? नहीं ले रहा, हाँ क्लियर ओके नहीं, तो मुझ पे ही सो आई सब चीजें नहीं 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 वैसे आएगी, नहीं, वैसे तो नहीं आएगा, आने की बात नहीं है, वो जिसका तो जिसका ये रहता, विल पावर के ऊपर यस रहता यस वो। यस अपने अपने स्टार्स रहते कितना स्ट्रांग है यस उसके ऊपर मैटर करता है। तो मैंने तो मेरे को भी ऐसा लगता है, क्योंकि तुम बोल रहे कि एक पेज फट के आया, तो मैंने जो डॉक्यूमेंट्री देखा उसके अंदर ऐसा था कि कोई तो भी एक आउट ऑफ कंट्री में कोई कैदी था, कैदी ओके तो उन्हें फेमस था ब्लैक मैजिक के अंदर, ऐसे भी करता था नॉर्मली, ओके तो उन्हें पकड़ा गया किसी वॉर में,
तो वहाँ के कंट्री वालों को भी पता था कि ये इतना फेमस है, तो वहाँ के जो बड़े बड़े लोग रहते हैं तो उन लोगों ने उसके ऊपर एक कंडीशन डाली थी, तू हमको ब्लैक मैजिक के जो भी है वो हम आपको तू लिख कर दे, हम तेरे को यहाँ से रिहा कर देंगे, ठीक है। तो उसने शैतान की मदद लेके गधे के 72 चमड़ों के ऊपर, और वो सब ला के देने वाला किसी ने नहीं दिया था, शैतान की मदद से लाई थी उसने कुछ वो वहाँ पे लाया, और उसके ऊपर 72 पेजेस के ऊपर जितने ब्लैक मैजिक्स रहते हैं एकदम डेंजर डेंजर, तो उसने उसके ऊपर लिखकर उन कंट्री को वो दिया था बोल के। ऐसे मैं यूट्यूब पे बहुत देखते रहता हूँ, बहुत रिसर्च वो करता चलते हूँ, रहता। और उन लोगों ने कुछ पेजेस के फोटोज भी डाले थे उसके अच्छा ऊपर। हाँ डाले थे, मैं देखा था। और बहुत से है ऐसे, मतलब कि मैजिक के टाइप्स मैं तेरे को बताऊं, मैजिक के टाइप्स भी बहुत अलग होते हैं। व्हाइट मैजिक जिसको बोलते हैं वो तो हम लोग प्योर मैजिक डेली यूज में हम मैनिफेस्टेशन लोग के जो गॉड का नाम मैनिफेस्टेशन जो लेते रहता है हैं, वो। तो वही अपने लिए व्हाइट मैजिक, और जो भी ओके अच्छा है हाँ इस वाइट दुनिया, सब अच्छे लोगों है बोल के वो चीज़ें दबी, क्योंकि अच्छाई बुराई के ऊपर कभी भी वजनदारी होती है। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले टाइम पे था, अभी तो बहुत बुराई चल रही है। अभी तो बोल नहीं हाँ सकते कि अच्छी चीजें हो रही है, अभी कैसा रहता कि ठीक है तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हो रहा बुरा हो रहा, तो कौन सा तो टाइम आएगा कि बुरी चीजें खत्म हो जाएंगी अच्छी चीजें आएंगी, पर ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है? वो है पर वो नहीं बोल रहा मैं कि जो अपन बात करते ना डेली की, हाँ ठीक है ना बुरा हुआ तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा, और यस चीजें नहीं हो रही अभी फिलहाल तो। और जो बोलते हैं ना जो बुरा करता है उसके साथ हमेशा बुरा होता एक है। चीज सुना है, एक चीज सुना है, पुराने लोग भी बोलते हैं, अभी के लोग भी बोलते हैं, 4 दिन में से एक दिन अच्छा होता है, 3 दिन बुरे होते हैं। मेरे को लगता है वो 3 दिन बुरे नहीं होते, वो 3 दिन होते हैं स्ट्रगल के। हाँ वो बोल सकते हैं, पर मेरा टॉपिक क्या है कि अपन जो बोले ना कि अच्छा टाइम आता होगा। है, हाँ तो वही बोल रहा हूँ कि जो अपने साथ बुरा कर रहा है ना तो उसका क्यों अच्छा हो रहा है। ये भी लॉजिक है ना कि अपन बोलते ना पुराने जमाने से जब पाप निकलती आ रही ठीक है थी, ठीक है ठीक है पुराने मतलब जो बुरा करता है उसके साथ हमेशा बुरा होता है, पर अभी तक मैं जो देख रहा हूँ ना कि अपने साथ जो बुरा करता है उसका हाँ इतना मतलब है ना कि लिमिट नहीं उसको, कुछ सब मिल रहा है उसको, ठीक अपना है है कि मतलब है अपना भी है, पर जिसने यस यस अपना यस। बुरा किया उतना मतलब कितना हाई हो अभी फिलहाल के टाइम पे। तो मेरे पास इसका शायद से आंसर है कि वो एक चीज़ पे यकीन है क्या तुमको, कि कौन ये भी सा? एक दुनिया है, मरने के बाद भी एक दुनिया है, जो गॉड के हाँ पास, गॉड पे अगर बिलीव है तो हर किसी को बिलीव होगा कि भाई मरने के बाद भी एक दुनिया है। तो कुछ ग्रंथ में लिखा हुआ है कि कुछ लोग जो क्रोधी लोग हैं, मतलब कि जो बुरे लोग हैं, उनके लिए दुनिया जन्नत है, ओके उनके लिए जो बुरे लोग हैं जो बुरा काम करते हैं उनके लिए दुनिया जन्नत है, मगर मरने के बाद असली उन लोग का हिसाब किताब लिया जाएगा। बोल के तो ये नहीं हो रहा होगा कि भाई दुनिया में बुरे लोगों का बस यस अच्छा वो भी हो हो रहा है, सकता है, वो भी हो ये भी हो सकता है, सकता है पॉइंट ना, है ना, है क्योंकि पर बिलीव के ऊपर बहुत सी चीजें और एक चलती है। हाँ और एक बोलना है मेरे को, और एक इमेजिन हमने सोचा है कि कभी कि हर अच्छा इंसान जल्दी मरता है। मैंने खुद देखा है और मैंने खुद मैंने भी रियलाइज एक्सपीरियंस, किया जो है, कि मतलब सही सच्ची में अच्छा होता है बहुत ना, अच्छा रहता है वो ज्यादा कि दिन नहीं टिकता वो। हाँ मतलब कुछ भी लेना देना नहीं उस दुनिया से, सब दुनिया अपनी है, सबको हेल्प करता है, सबको अच्छी बात करता है, किसको एक ऐसे गलत बात नहीं करता, मतलब सब अच्छे काम करता हूँ, वो बहुत कम जीता है। और जो बुरा रहता है ना मतलब 100 साल 150 साल मतलब ऐसा ऐसे, ये क्यों होता है, ये भी एक ये चीज एक है, मैंने खुद क्यों होता है एक्सपीरियंस ये किया, मैंने खुद देखा है, मतलब कि जो सच में मतलब कि दिल से साफ होते हैं, और बराबर ऐसा नहीं कि मैं तुम लोग नहीं मरे तो तुम लोग बुरे लोग नहीं हो हम भी बुरे हैं नहीं बहुत कुछ किया है वैसी हमने बात भी नहीं है। सो मतलब कि क्या करते हैं, मतलब वही। ऐसे कि भाई जो गॉड गिफ्टेड लोगों के लिए बहुत प्यारे होते हैं वो लोग, वही लोग जल्दी वो गुजर जाते हैं, पता नहीं इसके पीछे का। हम तो बस जैसे एक सादा टॉपिक कर रहे हैं, वो तो बहुत बड़ा टॉपिक होगा हम लोग नहीं के नहीं वो लिए। अलग पार्ट निकालते हैं, उसका भी यस यस निकालेंगे। अब यस सब जो लातूर के लोग या पब्लिक नहीं कर सकती टॉपिक पे बात, अपन वो चीज निकालना है, खोद के निकालना है यस उसे यस 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 मतलब कि लातूर ये में सब चीज़ें होती हैं, हाँ बट पॉजिटिव पॉजिटिव बोलते तो इसके अंदर पावर है। आप मैं एक एक जस्ट एग्जांपल बताता हूँ कि आप लोग जब सोचते हो जो आपको चाहिए, मैं आपको एक खुद आप लोगों के साथ भी ये चीज़ हो गई होगी कि जब तुम बचपन में सोचा था कि मेरे पास ऐसी मेरी साइकिल रहेगी, ऐसी मेरे को साइकिल रहती तो कितना अच्छा होता था, राइट और राइट मेरे पास रहती तो उसको मैं कितना सजाता था और कितना खेलता था। बराबर तो कुछ सालों बाद आपको वैसे ही साइकिल मिली ना, उससे अच्छी उससे अच्छी मिली ना, वो भी हो गया,
चलो मोबाइल के ऊपर लेता हूँ। आप लोगों ने कोई मोबाइल इमेजिन किया होगा कि यार मेरे को मेरे पास मोबाइल हुआ रहता था तो कितना सही रहता था। कुछ सालों बाद आपको किसी भी जरिए से किसी भी वे से वही चीज़ आपको मिली क्या नहीं? आपने जो ड्रेस इमेजिन किया था कि भाई ये यस मेरे को यस, मैं चाहिए, लाइव एग्जांपल देता ना मैं मेरा। मेरे को जो चाहिए, हाँ तो वो ड्रेस आपको कभी ना कभी 1-2 साल बाद, क्योंकि यूनिवर्स का एक रूल है, जो चीज़ आप मांगते हो, जो सेंड करते हो, जो सोचते हो, जो एनर्जी निकलती है, आप जब अच्छी चीज़ सोचते हो तो आपको खुशी होती है, तो ये एनर्जी पास हो रही है, यूनिवर्स के पास विदाउट जाती लैंग्वेज, है, विदाउट तो वो लैंग्वेज। यूनिवर्स पता नहीं क्या ऐसा गेम बनाती है, कुछ सालों बाद मिलता है। अगर आपको इमिजिएटली मिलता तो आप कुछ भी सोचते और इमिजिएटली आपके सामने आ जाता। आप कोई भूत नहीं सोच लेते, भूत, तो इमिजिएटली अगर आपके सामने आ जाता, वो हाँ टॉपिक अलग है, बट ये चीज़ें आपके साथ हुई है नहीं, मैं जो मेरा लाइफ पॉजिटिव एग्जांपल चीज़। एग्जांपल देता ना, मेरा लाइफ दो चीजें मेरे साथ हुई है। मतलब 2018-19 की बात है, तब जब मेरा क्लास नहीं था, तब मैं जब क्लास का बहुत सोचता था कि सुभाष चौक में जो मेरा क्लास है इनविंसिबल, तो उसके ऊपर ओके प्रमोशन नहीं कर रहा मैं भाई, ओके एक प्रमोशन नहीं है ये, मजाक कर रहा हूँ, प्रमोशन नहीं है, याद रखो। तो मैं बोल रहा था मजाक कर रहा कि हूँ। हाँ ओके, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यस कि पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग जो है। जब मैं कॉलेज के टाइम पे था कि सुभाष चौक में क्लास करना है बोल के मेरे को जगह मिली थी, फ्रेंड ने बोला था कि वहाँ पे एक लोकेशन है, वहाँ पे जाके देखो। गया मैं, ठीक है, हम लोग ठीक ठाक लगा मेरे को। फिर जो रोड है ना सुभाष चौक का, वो रोड पे मैं रुका था, तो वहां से देख रहा था मैं, तो विजन बहुत सही दिख रहा था। और मैंने ऐसे कंटिन्यू जाते थे, 8 दिन गया, मतलब रोज 1-2 दिन के गैप में किसी फ्रेंड्स को दिखाना या किसी को दिखाना कि मेरा एक क्लास यहाँ पे करने का सोच रहा हूँ मैं। ये बाकी का कुछ आगे का पता नहीं था कि पैसे कहाँ से आएंगे या क्या होगा या मतलब उसका बैकग्राउंड कैसा होगा या कुछ भी नहीं था। मैं सिर्फ शाम में मेरा ट्यूशन क्लासेस जो भी रहते थे मार्शल आर्ट्स क्लासेस दूसरी तरफ थे मेरे, तो वो होने के बाद मैं और मेरा दोस्त मतलब गाड़ी पे रुकते थे और ऊपर दिखते था वो, मतलब रोड से वहाँ पे दिखता था कि है वहाँ पे जगह। तो मैं रोज इमेजिन करता था कि वहाँ पे एक ग्लास का रहेगा, ऊपर मेरा इनविंसिबल नाम रहेगा, वहाँ पे एक बैग रहेगी बॉक्सिंग की, वो वहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे, लाइट्स वगैरह देखेंगी, इमेजिन किया, इमेजिन करता था मैं ये। मैंने कंटिन्यू देखो 3-4 साल किया, अरे नाइनटीन वाह, से लेके, तो लास्ट में 2023 में सब कंप्लीट हुआ। अरे एक्चुअली वाह, सीन क्या हुआ कि मैं जो ग्लास का सोच रहा था ना, कि ग्लास नहीं हो रहा था पॉसिबल, कि वेंटिलेशन नहीं आना है, मतलब चल रहा था कि जो बना के दे रहे थे ना, तो वो चल रहा था कि नहीं हो सकता, वेंटिलेशन नहीं मिलेगा आपको। मैं भी थोड़ा सोच में था कि मैं सोचा कि यार मेरा ड्रीम है वो ग्लास बिठाना है मेरे क्लास पे, कुछ भी करके बहुत सही लुक दिखेगा। बस इमेजिन कर रहा था, प्रे कर रहा था कि हो जाए, कुछ भी हो जाए, उम्मीद भी नहीं थी उसकी। हाँ मतलब वो लिटरली सेम टू सेम जो मेरा जो क्लास का थीम था मेरे माइंड में, जो मैं हाँ 5 साल 3 साल से जो भी सोच रहा था, वो एक्चुअल में हुआ सेम टू सेम। और मजाक नहीं कर रहा मैं, मतलब फाइनेंशियली भी उतना नहीं था कि ये कर सकता हूँ मैं, ये भी नहीं था, पर हुआ। वो थॉट्स थे पॉजिटिव थॉट्स थे, या मतलब जो मैनिफेस्ट किया था मैंने 11/11 पे, हर इलेवन इलेवन पे। और ये एक चीज चीज़, और पे एक है, मैं शॉर्ट में बोलता मेरे हूँ। को यकीन है इस हाँ, चीज और पे। एक मैं शॉर्ट में बोलता हूँ कि हाँ मेरा एक फ्रेंड थी, मतलब उसने बोला था मेरे को कि जो 11/11 का बोला, मैं बिलीव नहीं करता था कुछ भी, ठीक है बोला मैं। हाँ मतलब रिसेंटली ऐसी बात हो रही थी हमारी, तो मेरा क्लास चालू था, तब तक सेट हो गया था पूरा, बच्चे मतलब एडमिशन कम थे, तो मैं सोच रहा था कि यार मुझे आईफोन चाहिए, मतलब वीडियो शूट करने के लिए कैमरा नहीं तो आईफोन चाहिए, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो वो हो रहा था, ऊपर बजट नहीं था इतना क्लास में इन्वेस्ट था, तो कुछ भी नहीं हो रहा था कि यार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं उसको ऐसे रैंडम डिस्कस किया, डिस्कस करने के बाद वो बोली कि ठीक है काम कर, मतलब क्या करना है। तो एक चिट दी उसने, वहाँ पे कुछ तो नंबर्स थे और वहाँ पे मेरा नाम था, और iPhone 14 Pro ये हाँ था, और नीचे कुछ तो नंबर था उसको सर्कल किया वाला था। उसने बोला ये तेरे मोबाइल जो भी मोबाइल है कवर में रख, मैं बोला कवर नहीं यूज़ करता मैं, वॉलेट में रख, ठीक है बोला मैं रखा। मैं बोला नहीं होता रे ये चीज़ें, क्या वो तू ऐसे बात कर रही, बस तू चिट्ठी बस रखने रख, से। तू बस रख, हाँ ठीक है, और हर 11/11 पे विश कर। हाँ मतलब ठीक है वो भी करके देखते ना, अभी ट्राई ठीक है, करके देखते, वो बोल रहा ना सामने नहीं वाला कर इतना रहे से एफर्ट्स करके लगा। बेटर। हाँ ठीक है बोला, किया किया किया, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। एक दिन फ्रेंड के साथ ऐसे आईफोन स्टोर में गया ना, देखा हाथ में लिया, मतलब इतना फील आ रहा था कि उसका, मैं 4 दिन वो फील नहीं बोला कि आईफोन हाथ में आ रहा है मेरे। अब बहुत बड़ी बात थी वो, मेरे आईफोन हाथ में आ रहा है, हाथ में आ रहा है, ऐसा इमेजिन करता था मैं घर पे भी आपको मजाक लगेगा, रख के आया घर पे, मतलब घर पे भी कैसे ऐसा हाथ रखता था मैं,
यार मेरे हाथ में आईफोन है, आईफोन चल रहा है, कुछ चला सेम थिंग तुमको बताऊंगा इस हाँ बारे तो में। ये चल रहा था मेरा। तो एक दिन ऐसा आया कि पापा ने बोले कि तेरे को मोबाइल लेना, कि वो बहुत खराब हो गया था मेरा मोबाइल, वो वीवो का था। तो पापा ने बोले तेरे को फोन लेना है, कि मतलब हाँ लेना है पर अभी नहीं लेना है, वो आईफोन लेना था पर मैं खुद से लूंगा मेरा क्लास का। तो मतलब पापा का भी ये नहीं था कि लेके देना है उसको। सडनली पापा का फोन आया, कहाँ पे है? घर पे हूँ, काम कर रहा। तो आ जा, बोले उस रोड पे। बोला क्या हुआ? तो वो मोबाइल देख के रखा है, तो वो सिर्फ देख के कलर चॉइस करके लेके जा। बोला कौन सा? बोला नहीं मेरे को नहीं लेना यार दूसरा कौन सा, अभी मेरे को बस आईफोन लेना है। बोला अरे तेरे लिए iPhone 14 Pro ही निकाला है। बोला तो इतना मतलब सीरियस कंडीशन, मतलब ये लेवल पे सोच ही नहीं सकते कि मेरे को आईफोन मिलेगा आज के डेट पे, ये मैंने नहीं सोचा था। पर वो हो गया 11 11, थैंक यू टू माई फ्रेंड, ये भी हो बढ़िया, वो गया चिट है। है ना। अभी नहीं है वो, कि उसके बाद जो काम करना रहता है वो चिट कंप्लीट होने के बाद एक चीज करनी पड़ती है, वो किया मैंने, वो बोलना नहीं रहता ओके ओके, बट ठीक थी तुम्हारे पास, मैं और एक सेम चीज बोलूंगा। नहीं रहेंगी शायद मेरे पास, हाँ 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 देखता मैं बाद में निकाल के देता आपको, दिखाता है पब्लिक को, दिखाएंगे ना अपन वो चीज बढ़िया। ये तुमने जो बोले ना, हाथ में तुमने आईफोन फील किया, बहुत किया तो मैंने भी इसी तरीके से एक चीज फील किया था और वो कंप्लीट हो गई। तो सेम थिंग मैंने, दयानंद कॉलेज में था, मैं सेकंड ईयर में था, चौहान सर लीड कर रहे थे, कल्चरल एक्टिविटी जो भी हो रही थी यूनिवर्सिटी लेवल पे, वहाँ पे होने वाली थी एक्टिविटी। सो उसके अंदर सर ने मेरे को सिर्फ बोला कि तू मेरे को गोल्ड मेडल ला के देगा। मैंने बोल दिया कि हाँ आपको दे दूंगा। मेरे अंदर ऐसा था कि हाँ कुछ ना कुछ करके दे दूंगा दे दूंगा। एक्टिंग कर रहे थे हम लोग, एक्टिंग के अंदर हम लोग का बहुत मस्त भोजपुरी का रोल था, जिसमें मैं लाला जी बोल के था सरपंच। और मिमिक्री का तो मुझे पता नहीं था कि मैं मिमिक्री करूंगा, मेरे को मिमिक्री का एक शब्द नहीं पता था। तो जस्ट बोला कि सर मैं आपको ला के दे दूंगा, और सर के साइड से हो गया। मैं बोला इनको बोल तो दिया आप, ठीक है चलो। बोला वो गोल्ड मेडल मैं ऐसे बाइट करूंगा वहां पे। बोला ऐसे कर देना जीतने के बाद, ओलंपिक हाँ ऐसे बाइट करते ना, तो मैं वैसे करूंगा उधर। इमेजिन कर रहा हूँ मैं, 1 2 महीना ओके बाकी है, और 1 2 महीना ये इमेजिन कर रहा हूँ कि हाँ मस्त वहां पे गोल्ड मेडल, मैं ऐसे सब आऊंगा गोल्ड मेडल देखूंगा, फील कर रहा हूँ उसको मैं। तो हो गया सब। मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने मिमिक्री किया था कई लोगों की, मेरे को भी पता नहीं था। स्वामी सर थे, स्वामी सर जिसने मेरे को मिमिक्री के अंदर सपोर्ट किया सीखने के लिए। तो मेरे को था कि मैं वेस्टर्न सिंगिंग के अंदर कुछ करूंगा, सिंगिंग या एक्टिंग के अंदर गोल्ड मारूंगा, ठीक है। बट देखो ना, गोल्ड कहाँ से आना था, तो गोल्ड मिमिक्री के अंदर थर्ड नंबर किसी और का है, जो कि सबसे बेस्ट कर रहा था, जबकि अलग अलग वॉइसेज वगैरह। फिर सेकेंड नंबर किसी और का आया, तो अब वहां पे मेरा एकदम से ब्लैंक हो गया ना, अब किसका नंबर आएगा। बोले जान दो अपना तो ये जीत लोग तो थर्ड गया सेकेंड आए। अभी अपना तो बिल्कुल नहीं बोले आएगा मैं बस सुन रहा हूँ, थर्ड नंबर दयानंद कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज से नंबर वो अनाउंस किए, मेरा शॉक। गोल्ड बोले मेडल क्या हो गया ये, क्या हो गया, मैं बोला। और फिर गोल्ड मेडल वो तो आया मिमिक्री के अंदर, उसके बाद ड्रामे के अंदर मेरे को ब्रॉन्ज मेडल मिला, और प्लस ड्रामे को गोल्ड मेडल मिला। इतना क्या जबरदस्त, समझ रहे हो, आप चीज को फील कर रहे हो वो चीज, तो आपको आगे चल के वो मिल रही है। बस उसके अंदर भी पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव रहना उसके अंदर रहना, कैसे होगा, क्यों होगा, क्या ये चीजें डालेंगे तो शायद से नहीं मिल सकती हैं वे चीजें ऑफ आपको। पॉजिटिव थिंकिंग कभी कभी अपने को समझ में आता नहीं कि भाई ये अपना दुश्मन दिख रहा है, इसके अंदर अपने लिए कुछ तो भी बुराई लग रही है, इन्हें अपना नुकसान चाह रहा है। ऐसे कभी तुमको फील आया बहुत किसी बार इंसान के अंदर? 90% तो यही होता है। आई कैसा ये फील में तो होता रहता है, कि समझो अपन बहुत फेमस हो रहे हैं, फेमस तो नहीं हूँ मैं उतना, हाँ पर ठीक है कि बहुत लोग ऐसे जान रहे कि वो विद्युत जमल के पास बाद में क्लास के बाद में है, या मेरे जो एक्टिविटीज रहती है इंस्टाग्राम पे बोलो या मेरे ड्राइंग के बारे में, मतलब बहुत लोग जान रहे हैं ऐसे कि ठीक है, हाँ वेट, ये फुल स्टॉप। आप क्या क्या करते हो, मतलब मैं बहुत कुछ करता हूँ, अभी तक मुझे नहीं पता मैं क्या करता हूँ। कि तुमने बोला तुम विद्युत जमवाल का टॉपिक निकाला, तुमने हाँ निकाला तुम्हारे क्लासेस का कराटे, ओके उसके बाद तुमने निकाला तुम्हारे आर्ट का, क्या क्या करते हो तुम? तो अपन जो बोल रहे थे कि वे ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, अपन पॉजिटिव सोच रहे थे तो माहौल इतना खुश था कि मेरे करियर के बारे में, आपके सब चीजों के बारे में बात कर रहे थे, अच्छी अच्छी चीजें हो रही थी, आईफोन मोबाइल क्लास ये सब हो रहा था।
तब तो कुछ नहीं माहौल कुछ हुआ। था, हाँ कुछ बहुत भी नहीं हो रहा था। एनर्जी तो लग रही थी अपन पहले फिर। स्टार्ट में ये तिकी बात कर रहे थे या मॉन्स्टर्स ऐसे या था कुछ भी बात कर कि रहे हैं। ऐसे हम लोग का एकदम मूड एकदम से हाँ, तो डाउन, वो टाइम में भी कितना नेगेटिव हो गया था, तो लाइट भी गई थी, लाइट चली तो गई, प्रॉब्लम्स आ रहे थे, साउंड बंद था, माइक प्रॉब्लम्स, बंद मतलब था, कि बहुत तो यही होता चीजें नहीं जो। समझ में आई हाँ, वहां तो पे, नेगेटिव चीजें की जो असर होती ऑरा है। रहता है ना नेगेटिव चीजों का, वो जल्दी अट्रैक्ट होता है। कभी भी अपन ब्लैक कलर मत पहनो, ये मत करो, तुम ये डेट को ये ब्लैक मत बनो, या कुछ भी मत करो ऐसा कि पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी खींचे जाए। अपन ये बोलते हैं ना कुछ, तो नॉन वेज ये डेट में नहीं खाना चाहिए, क्यों बोलते हैं? तो उनका भी कुछ लॉजिक होगा ना कि हाँ यार ये पहले से ही है, क्यों है ये पहले से? तो किसी ने तो लिख के रखा होगा ना, या किसी कुछ ने ना कुछ है एक्सपीरियंस किया होगा वो चीज़ों को, राइट, इसी वजह इसीलिए से। लिख के रखा है वो। और एक चीज, ये जो बैटमैन है, ये जो वेयरवुल्फ है, ये जो मेरे को तो और एक चीज है नहीं समझ में आ रही कौन सी वाली? बैटमैन की, ये स्पाइडरमैन की, ओके okay. लोगों ने सोचे कैसा रहेगा इसको कि भाई हाँ चलो मकड़ी नहीं, काट ली। ये इस पे अपन कॉमेडी भी कर सकते हैं। स्पाइडरमैन के हाथ में से वेब क्यों निकलते हैं? हाँ भाई एक्चुअल दूसरी तरफ स्पाइडर दूसरी तरफ से स्पाइडरमैन के वेब निकलते हैं ना, स्पाइडर स्पाइडरमैन के वेब दूसरी तरफ से, के, यस स्पाइडरमैन के यस हाथ में क्यों? यस यस, वो मतलब कि दिखाना अच्छी नहीं हो चीजें गया करने के लिए, ना? वी आर पॉजिटिव थिंकिंग, बट मतलब लोगों के अंदर जब विचार जब आते हैं, सोच सोच जब वगैरह आती बहुत। है, हाँ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किए रहेगी तभी तो यस यस आती यस है। यस वो तो अभी है। अभी और एक मॉन्स्टर, भूत, कि भूत किसी को था क्या भाई? अगर पैदा हुआ इंसान नया नया, उसको लिखा पढ़ी कुछ नहीं आती थी, चीजें सीखते सीखते गया, यस चीजें मालूमात करते गया, ये मॉन्स्टर है, ये भूत है, ये जिन है, ये असरात है, ये चिड़ोल है ना, यति है, वेयरवुल्फ है, ये चीजें कभी ना कभी उन लोगों ने एक्सपीरियंस की यस है, यस यस देखी है। तो क्योंकि मालूम क्या, जब माहौल में वो चीजें होती है तभी जाके तो क्रिएटिविटी बनती है दिमाग में, बराबर, ऑटोमेटिकली कभी नहीं ठीक है। आती। ये टॉपिक है, अपन बोल सकते कि हाँ लोग बड़ा की चीजें बोलते हैं, पर कुछ ना कुछ वहां पे सच होगा वो। सिम्टम्स तो हो गए, हाँ, मतलब कुछ ना, अभी खांसी है तुमको तो बोलेंगे ना हाँ इसको बहुत बड़ी खांसी थी, या बहुत बड़ी बीमारी थी, टीबी था, पर खांसी तो रहेंगे ना उसको, टीबी है तो वही खांसी तो रहेंगी वही ऑटोमेटिकली। वही, तो यही चीज है कि कुछ ना कुछ तो भी कुछ है। हॉरर दिखाए तुमको, मूवी क्यों दिखाते हैं? हाँ मूवी में कुछ तो होगा ना उन राइट राइट, लॉजिक। वो लोग इतना क्लियर नहीं, दिखाते, हाँ मैं एक बोल रहा है, मूवी में दिखाते हैं, पर क्या किया है और एग्जैक्ट क्या करना है वो टाइम पे, हनुमान चालीसा पढ़ना है या कुछ नींबू काटने हैं या हाँ नारियल घुमाना है, वो क्यों बोलते हैं, वो हाँ क्यों करते हैं? और एक्चुअली रियलिटी में भी वो चीजें होती है, मतलब किए राइट वाले राइट हैं, राइट, सबके सामने किए वाले आयतल हैं। कुर्सी पढ़ते हैं हम लोग, हाँ, आई वो एक इतना छोड़, पावरफुल वो ऐसे, मतलब सबसे। कि ऐसे सिचुएशन पे चीजें बोलते कि हाँ करो कि हो जाएगी, हाँ, कि वो कभी ना कभी एग्जैक्ट वही मूवी होगी। मूवी में वो दिखाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा दिखाते हैं वो बात अलग है, हाँ पर सजादा दिखाते जागे हैं। हाँ, दिखाते वो हैं, एक्चुअल में चीजें होती हैं, उससे भी भयानक होती है मूवी से क्या भी। कभी मूवी में सेंसर पैरानॉर्मल दिखाते हैं। एक्टिविटी देखा है तू? मत पूछो, हम ऐसे घूमने गए थे बुल्ढाना, हाँ तो वहाँ पे एक दरगाह है, मतलब हम जाते हैं किधर के, बुढ़ाने की मतलब जगह, भगवान के, अच्छा हाँ ठीक हाँ है, दर्शन लेने दरगाह पे यहाँ पे जाते हैं। तो यस हम रैंडमली दरगाह पे गए थे, बहुत जगह वैसे गए हैं कि वहाँ पे एक्टिविटीज दिखी है, पर वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी की वजह से नेगेटिव थोड़ा पेन में थी। तो कैसा था कि हम गए थे दर्शन करने को, फ्राइडे था और फुल मून था शायद, या हो कुछ भी सकता नहीं है, था वो, जो बोलते ना हिंदी फ्राइडे में था अमाउस ना, है जो बोलते ना यस यस वो, या फुल मून, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। दो चीज़ें थी, दोनों में से एक थी, फ्राइडे था, गए हम सुबह दर्शन वगैरह ले रहे थे। जैसे मतलब फर्स्ट टाइम गया था मैं, बहुत सुना था कि नाम हाँ यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है, जाओ वहाँ पे, जाओ वहाँ पे, वहाँ पे भी बहुत चीज़ें हैं। मैं टॉपिक निकालने वाला इसके भी, बहुत चीज़ें वहाँ पे भी, हाँ क्या, क्यों लॉजिक क्यों बोलते वो चीज़ों के, इलॉजिकल क्यों है, लॉजिकल क्यों है। तो गए थे हम दर्शन लेने, तो ऐसे ऐसे लोग थे ना वहाँ पे, जो मैं जिमनास्टिक करता हूँ ना, फ्रंट रोल मारता, बैक फ्लिप मार, बैक फ्लिप नहीं मारे, फ्रंट रोल जो मारता ना। अभी मुझे एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, कि मुझे एक नया बच्चा सिखाने को है, एज 20 है, 25 है बच्चा है, तो मुझे 4 से 5 दिन लगते हैं उसको फ्रंट रोल सिखाने को, ये हाथ रख के जो रोल करते हैं ना विदाउट नेक हाँ बैक हाँ पे, हाँ तो हाँ उसको मेरे को बहुत मिनिमम 2 दिन, अच्छा हुआ तो 1 दिन में सीखता है, कम से कम 2-3 घंटे तो जाते हैं। एक दिन लेडीज आई वहाँ पे, हम दर्शन ले रहे थे, मतलब बहुत लोग थे वहाँ पे, क्राउड बोलता मैं कैसे कैसे थे, पर वहाँ पे आई वो लेडीज, स्टार्ट में दर्शन के दौर रहता ना, वहाँ पे हाथ लगे, चालू हो गया उसका, मतलब बाल खुले, झूमना, हाँ ऐसा ऐसा कर रही थी, मुझे हाँ लगे कि हाँ भगवान का उसको रहेगा, पर हाँ अपने को चीज़ें पता नहीं थी। वो आई वैसे निकल के ऐसे थोड़ा सा पीछे झटका दिया, और कंटिन्यू वो जो दरगाह थी ना, दरगाह ऐसे है
तो उसके राउंड में से लोग बैठे थे, तो हाँ उसको ऐसे रस्ते में फ्रंट रोल करते, कंटिन्यू फ्रंट रोल कर रही थी वो, इतने राउंड्स मार रही थी वो, हम बैठे थे ना वहाँ पे। मतलब उसको कुछ सिखाया भी नहीं ना किसी ने कि फ्रंट रोल कैसे करते और हैं, लेडीज लोग इतने और इजी साड़ी से, पे कर रही थी वो, अरे बाप रे। मतलब रोल कर रही थी वो। अभी आपको किसी ने किसी को अभी लेडीज को करने बोला हाउसवाइफ को, कौन करने वाला है? वो चीजें नहीं आती, सिखाना पड़ता है, अच्छे से प्रॉपर मैटिंग वगैरह मतलब रख कि के उनके ट्रेनर अंदर लगाना कुछ पड़ता तो भी एनर्जी है है, आई इतनी थी। पावरफुल। हाँ हाँ तो वो चीज है, वो पर करा वहां पे और इतने करवा रही थी लोग हैं, उसको। और वहां पे कैसा है वो चेन्स रहते हैं बड़े बड़े, वो हाँ अपन समंदर में उतना ये डालते हैं नीचे इसको शिप अंदर के लिए, डालते उतना हैं नहीं उसको, बड़ा पर नॉर्मल, इतने 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 लॉक के मोटे। लिए अपन, यस या पंचिंग बैग के यस लिए रखते हैं। तो वो उनके पैर में से जकड़े वाले थे या लॉक किए वाले थे, क्यों थे? मेरे को अभी तक मतलब उसका टॉपिक लॉजिक नहीं समझा कि क्यों इतना कर रहे हैं, हाथ को बांधे वाले, पैर को बांधे वो वाले, कुछ लॉक्स ऐसा के। होता है वो कि उनकी जो इलाज होना रहता है, कुछ कुछ बहुत स्ट्रांग रहते हैं उन लोग के अंदर, होता है जिन, वो जो एनर्जी बोलते हैं ना लोग, कि जिन घुसता है अंदर आदमी। अगर लेडीज है तो लेडीज जैसे बात करेगी, यस 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 अगर कभी मेल कभी दो है, तीन जनों का आवाज निकल के बात मेल करती है है। तो मेल की तरह ही बात करेगी, राइट राइट या कभी कभी तीन चार एक साथ जिन एक इंसान में ओके। घुस वो जाते हैं। एमिली रोज, उसकी एमिली स्टोरी वो रोज का टाइप में। टॉपिक रियल है वो, जिन यस का तो मैंने आवाज खुद देखा है सामने से तो चीजें, वो उस तरीके की है। हाँ ये बात कर रहे हैं तो तुम कंटिन्यू करो, तो मैं जा रहा हाँ तो हूँ। वो टॉपिक पे कैसा था कि वहां पे गए हम, सब चीजें दिखाई दी, फ्रंट रोल कर रहा कोई तो ऐसे चेन पे अटके वाला है, लॉक किए वाला है उनको। ये हॉरर लगा होगा एकदम तेरे को। अरे लिटरली ऐसे गूजबम्स आ रहे थे, मतलब शॉक था मैं कि क्या हो रहा है, ये भी रहता है क्या दुनिया में? मतलब ऐसे लोग बोलते थे ना, हाँ इसको काला जादू हुआ है, इसको कुछ तो हुआ है, बाहर का हुआ है, ये हुआ है वो। मुझे लगता था हाँ यार नाटक करते ये लोग, इनको परेशानी करना है, इनको घर वालों को, या इनको कुछ तो करना है, करियर करना है, या मुझे नहीं करना है करियर, शादी करनी है किसी के साथ तो क्या जाना है, तो इसकी वजह से तुम ये करते हो कि ड्रामा करते हो, ये मुझे लगता था। अब ये मतलब लगता है ना कि यार हाँ इसको नाटक कुछ तो कर रहा है। चाहिए, इसलिए कर रहा वो, मतलब मूवी देख के कर रहा, एक्शन कर रहा बहुत ही, मतलब ठीक है वाला वो रहता होगा, पर मैं जब रियलिटी में देखा ना वो चीज़ें, बहुत स्केरी थी वो चीज़ें, फर्स्ट टाइम मतलब रात में नींद नहीं आई, बाद में मैंने डर रहा ये था मैं फर्स्ट भी टाइम कब बहुत। देखा था, यूपी में।